सिवान के जीरादेई विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी कमला सिंह कुशवाहा के पति पर शनिवार की शाम को असाव थाना इलाके के पिपरहिया पुल के समीप उन पर हमले का प्रयास किया गया। बता दें कि आंदर के मोहम्मदपुर से लौट रहे थे, उसी दौरान दो अपाची बाइक पर सवार चार लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। गाड़ी को नहीं रोके जाने पर ईंट से गाड़ी पर हमला किया गया। उनके साथ चल रहे सुरक्षा गार्डों ने एक लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया हमलावर जीरादेई के खगरी रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर असाव थाने में जेडीयू प्रत्याशी के पति द्वारा आवेदन दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मैरवा से राजू कुमार की रिपोर्ट। गांव से लौट रहे थे हम, वहां गए थे भाई, लोगों ने वोट दिया, हालचाल जानने के लिए लोगों से अपना हम मिल रहे हैं। लगातार नौतन में दो दिन रहे, जीरादेई का कार्यक्रम था, हम लोगों से मिल रहे थे। उसी दरमियान हम जब वहाँ पिपरहिया पुल पर पहुँचे तो वहाँ देखे कि एक अपाची, लाल रंग की अपाची खड़ी थी, वो गाड़ी स्टार्ट थी, तीन चार लोग थे। पहले हम आगे गाड़ी पर थे, पीछे वाला गाड़ी पर कुछ हमारे मित्र लोग भी थे। हमारे गाड़ी पर कुछ किसी कठोर चीज़ से हमला किया गया, हमारे गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, हम लोग गाड़ी काट कर निकल गए। फिर पीछे वाले गाड़ी पर हमला किया गया, हमारे गाड़ी को रोक दिया गया। फिर अंगरक्षक उतर करके हमारे सरकारी अंगरक्षक दौड़े, तब तक उसमें से एक लड़का जो है जॉकेट पहने हुए था, जो पिस्टल निकाला और लहराते हुए अपाची से भागना शुरू किया। हम बाल बाल बच गए, फायरिंग तो नहीं किया, लेकिन सरकारी अंगरक्षक उसमें से एक को दबोच लिया। हम लोग असाव थाने को सूचना दिए, एडिशनल एसपी साहब से हमारी बात हुई, मैरवा थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई। घटना 9:15 बजे की है। फिर हम असाव थाने गए, वहाँ उसको जो अपराधी पकड़ाया था वहाँ हम आवेदन दिए, थाना प्रभारी के जिम्मे उस अपराधी को लगाए। अब प्रशासन के दया द्वारा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सुबह भी थाना प्रभारी का फोन आया था। हमको तो यही कहना है कि देखिए, हम तीन चार केस के सरकारी गवाह भी हैं, प्रेम हत्या केस के सरकारी गवाह हैं, सेल्समैन के हत्या हुआ था उसमें भी हम सरकारी गवाह हैं, एक आशा टागिज के आगे भी हमला हुआ था, मर्डर हुआ था, उसमें भी प्रशासन के द्वारा हमको सरकारी गवाह बना दिया जाता है और हमारी सुरक्षा नहीं दी जाती है। संजोग से कहिए कि एनडीए प्रत्याशी हैं कमला कुशवाहा, इस चुनाव में हमको सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया था, हम बाल बाल बचे, या मान लें रात में भी हम पर हमला हुआ है, फोन पर भी हमारे मोबाइल पर कुछ दिन पहले प्रेम हत्या केस में गवाही बदलने के लिए हमको धमकाया जा रहा था, उसमें भी FIR हुआ, केस ट्रू हुआ, अपराधी जेल गया था, चार चार पाँच पाँच केस के हम सरकारी गवाह हैं। मेरे साथ इस तरह का हमला हुआ है, रात में भी हुआ है। हम प्रशासन और सरकार से ही मांग करते हैं कि देखिए, अभी गणना मतगणना हुआ नहीं और हमला जारी है, यह अपराधियों का मनोबल का जंगल राज पार्ट टू का ही एक कहिए तो नज़रिया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जीरादेई के तमाम जनता, जाति ब्यादरी किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, सबका सुरक्षा दिया जाए, सबको मान सम्मान दिया जाए। आज मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। अपराधियों की संख्या कितनी थी? 4 से 5 लोग थे। एक अपराधी पकड़ाया है जिसका नाम, ठीक, परिचय, संजय कुशवाहा, जेडीयू नेता, एनडीए प्रत्याशी कमला कुशवाहा, जो अभी जीरादेई 106 के प्रत्याशी हैं, वो हमारी पत्नी कमला कुशवाहा हैं।